शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक बार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ को ये दिन बेहद ही प्रिय ही है, क्योंकि इस दिन माँ पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ था। इसके अलावा इस दिन से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि इसी दिन भोलेनाथ पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। सुख समृद्धि हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए ये व्रत बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। भोलेनाथ अपने नाम की तरह बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। उनके द्वार पर गया हुआ व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। देवों के देव महादेव की कृपा बहुत अपरंपार है। इनकी पूजा करने से बड़े कष्ट रातों रात दूर हो जाते हैं। बता दें कि माघ महीने का आरंभ हो चुका है और जल्द ही मासिक शिवरात्रि का व्रत आने वाला है। भोलेनाथ के भक्ति हर माह इस दिन के इंतजार में रहते हैं, तो चलिए जानते हैं किस दिन रखा जाएगा ये व्रत। पंचांग के मुताबिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 फरवरी गुरुवार प्रातः 11:17 पर होगा और इसका समापन 9 फरवरी शुक्रवार प्रातः 8:02 पर होगा। माघ शिवरात्रि के लिए निशिता मुहूर्त 8 फरवरी को प्राप्त हो रहा है। इसके अनुसार मासिक शिवरात्रि 8 फरवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। इस बार की मासिक शिवरात्रि इस वजह से खास है क्योंकि इस दिन सुबह से ही सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो पूरा दिन चलकर रात 11:10 पर समाप्त होगा। माघ शिवरात्रि के दिन का ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 05:21 से लेकर सुबह 06:13 तक है। अब आपको बताते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करें। सबसे पहले इस दिन सुबह उठकर भगवान का ध्यान करें। उसके बाद निशिता काल मुहूर्त में जल में दुर्वा मिलकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद पंचाक्षरी मंत्र का 11 या 12 बार जाप करें। कहते हैं इस मंत्र का जाप करने से कुंडली में राहु और केतु की बुरी दशा से राहत मिलती है। व्रत का अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि न बुरा बोलें, सुने और देखें।